बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको सिखाऊंगी पनीर मैं किस तरह बनाती हूँ। ये 2 लीटर दूध है, इसको मैंने हल्के चूल्हे पे ओटाने चढ़ा दिया है। थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाए तब हम इसको चूल्हा तेज़ कर देंगे। इसमें डालेंगे 2 लीटर में 1 पाव दही। दही डालने से बेहतरीन पनीर बनता है। थोड़ी देर इसको चला लेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। फिर हम इसमें डालेंगे, ये 1 बड़ा नींबू है। थोड़ा सा ये पक जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये मलमल का कपड़ा, बारीक कोई भी पुराना कपड़ा हो आपके पास, और ये बर्तन। आधे से ज़्यादा हमारा ये दूध पक चुका है। अब इस पोजीशन में हम इसको नींबू को डालेंगे। अब इसमें चमचा नहीं चलाना है जब तक कि ये पूरी तरह से फट नहीं जाए, एक उबाल नहीं आ जाए इसमें। पहले हम ये देखिए इसमें निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, इसका सारा पानी निकालेंगे। फिर उसके बाद मेरे पास एक ये बर्तन है, इस तरह का बर्तन अगर आपके यहाँ इधर मिलता हो तो ये इस तरह का बर्तन। इसमें रखेंगे ये जाली, और फिर ये मलमल का कपड़ा इस पे रख के, और फिर इस पे वज़न रखेंगे ये रख के। फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये दूध फट जाएगा पूरा। देखिए ये फट चुका है, मगर अभी भी इसमें उबाल नहीं आया है। जब तक उबाल नहीं आए, पानी अलग नहीं हो जाए पूरी तरह से, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। ये बस आपको बताने के लिए मैं ये दिखा रही हूँ। दही डाल के कोई भी नहीं ऐसे करता है, आप मेरी तरह से बना के देखें, बहुत बेहतरीन पनीर बनता है। ये देखिए पूरी तरह से ये फट चुका है, इसका ये अलग पानी अलग है और ये फटा हुआ अलग है। अब हम इसको ठंडा करके इसका पानी निकाल के फिर इसको वज़न रखेंगे इसके ऊपर, ताकि ये पूरा पानी इसका निकल जाए और सॉलिड पनीर बने। इसका ज़्यादातर पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको इस तरह से देखिए ये पानी निकल रहा है। इसको बांध देंगे, अभी गर्म है थोड़ा सा। बाकी हम इसमें रखेंगे। ये देखिए ऊपर से इसको रखेंगे, जितना पानी हो निकलेगा ऊपर से हम इसमें ये वज़न रख देंगे। जितना पानी होगा एक्स्ट्रा ये प्लेट में आ जाएगा। चलिए जब ये बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पनीर को रखे हुए हमें 4-6 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको ये वज़न हटा के देखेंगे, पानी सारा निकल चुका था, मैंने इसको फेंका है, प्लेट में था पानी। इस कपड़े को फिर से आप यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए सब पानी निकल चुका है। ये देखिए
ये देखिए कितना बेहतरीन पनीर बना है, कहीं से कोई जाला नहीं, कुछ नहीं, सॉलिड बिल्कुल। मैं आपको और काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका बस पूरा पानी निकाल दें और थोड़ा सा जमाते वक्त इसमें दही डालें, दही ज़रूर डालें इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये घर का बना हुआ दही पनीर है। इस तरह से बनाइए, खाइए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और एक रेसिपी मैं आपको इसी पनीर की दूंगी।